नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। फिलिस्तीन या यूक्रेन, हमास और इसराइल के बीच जारी जंग के बीच लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है और ये बयानबाजी भारत के अंदर और इसके बाहर दोनों जगह जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि एनसीपी के नेता शरद पवार ने फिलिस्तीन वाले बयान पर अब काफी बवाल मच रहा है। शरद पवार ने जो बयान दिया था उस पर बीजेपी के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यूं कहिए पलटवार कर रही है, जिसमें असम सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का नाम भी अब जुड़ चुका है। हेमंत बिस्वा सरमा ने तंज कसते हुए ये कह दिया है कि तो सुप्रिया मैडम को वहां क्यों नहीं भेज देते हैं शरद पवार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसराइल हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच इस मुद्दे पर भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने एनसीपी चीफ शरद पवार के फलस्तीन को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शरद पवार साहब सुप्रिया सुले मैडम को हमास की तरह से लड़ाई लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। यहीं पर आपको बता दें कि शर्मा नहीं रुके और इसके बाद भी उन्होंने राहुल गांधी, इंडिया अलायंस समेत काफी कुछ जो है भरकर बयानबाजी की, लेकिन ये जो कहेंगे उनके बयान का ये हाईलाइट रहा जहां पर वो ये कहते नजर आए कि सुप्रिया सुले मैडम को हमास की तरफ लड़ाई लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। और क्या कुछ कह रही है हेमंत बिस्वा सरमा, जरा सुनिए। इसराइल को लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि हेमंत बिस्वा सरमा जो है सुप्रिया सुले का जिक्र करके कह रही हैं कि शरद पवार क्या उन्हें गाजा भेजेंगे हमास की तरफ से लड़ाई करने के लिए। अब उनके बयान पर जो है एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले का भी रिएक्शन आया है, जहां पर वो कहती नजर आई कि मैं आश्चर्यचकित हूं क्योंकि हेमंत बिस्वा सरमा का डीएनए मेरे जैसा ही है, वह मूल रूप से कांग्रेस से है, उनका और मेरा डीएनए एक ही है। अब जानते हैं कि भाजपा महिलाओं के प्रति कैसी अपमानजनक है, मुझे हेमंत बिस्वा सरमा से उम्मीदें थी। बीजेपी आईटी सेल को शरद पवार ने जो कहा है उसे ध्यान से समझने और सुनने की जरूरत है। Well, you know, I'm surprised because Hemant Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's a original Congressi. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemant Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP is little rubbing off on him, unfortunately, because I was always proud of him. Because I felt ki apna ek Congress DNA ka aadmi BJP mein jaake mukhyamantri banaye, ye mere liye bahut badi baat thi. The BJP IT cell needs to understand and hear what Mr. Pawar has said. Please, my request to the entire BJP IT cell is to please hear carefully what Mr. Pawar has said. Hear his entire statement. तो ये यहाँ पर जो है सुप्रिया सुले का रिएक्शन देखने के लिए मिला है। सुप्रिया सुले जो है ये बातें कह रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि शर्मा का बयान जो है शरद पवार के उस बयान की प्रतिक्रिया में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें फिलिस्तीन के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, वह पूरी जमीन फिलिस्तीन की थी और इसराइल ने आकर जमीन पर कब्जा कर लिया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया, इसराइल वहां पर बाहरी लोग हैं और वास्तव में यह जमीन इसराइल की है। उन्होंने आगे कहा एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जिनकी यह जमीन है। शरद पवार ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी के विचार फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के समान थे। यह हमेशा भारत सरकार का रुख था। भारत कभी किसी और के साथ खड़ा नहीं हुआ। भारत हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहा जो मूल रूप से खड़े थे, वहां की जमीन और मकानों के मालिक है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री असली मुद्दे को छोड़कर इसराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने असली मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया है। हमें अपने रुख पर स्पष्ट होना चाहिए, एनसीपी का रुख स्पष्ट होना चाहिए। हम कायम हैं और वे लोग जो मूल रूप से उस भूमि के निवासी हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान की बीजेपी ने आलोचना की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इसराइल पर हुए आतंकी हमलों पर भारत के रुख पर ऐसी बेतुका बयान जो है देते हैं। बता दें पीयूष गोयल ने एक्स पर जो है पोस्ट डालकर शरद पवार पर निशाना साधा और कहा कि आखिर पवार साहब भी तो उस सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर पर बहाए थे और भारत पर हुए आतंकी हमले के दौरान सो रहे थे। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शरद पवार के फिलिस्तीन समर्थन वाले बयान की आलोचना की। अब जिस तरीके से पीयूष गोयल का यह बयान सामने आया, इसके बाद इस पर जयंत पाटिल का भी रिएक्शन देखने के लिए मिला। क्या कुछ कह रहे हैं जयंत पाटिल, जरा सुनिए। मेरी जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने फिलिस्तीन के बारे में भी कुछ बयान किया है। वो पहले वो देखे तो मुझे लगता है उनको समझ में आएगा
कि उनकी सरकार क्या निर्णय कर रही है। लेकिन सर पीयूष गोयल का बयान जिस तरीके से ट्वीट कुछ दिनों बाद हम देखें कि पवार साहब लगातार जो है अपने स्टैंड जो है उन्होंने इसराइल हमास की लड़ाई को लेकर पहली बार नहीं था, इसके पहले भी रख चुके हैं, अब ट्वीट कर पवार साहब को टारगेट करने के पीछे क्या कोई राजनीति आप देख रहे हैं? नहीं, वो उनका एक्सप्रेस करने का वो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक्सप्रेस किया है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने खुद स्वयं प्रधानमंत्री ने एक भूमिका एक्सप्रेस की है, इसराइल को सपोर्ट किया है, साथ साथ में फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने भी एक अलग सी भूमिका सामने रखी है। इसमें जो विसंगति है वो देखे ऐसे मुझे लगता है। अब देख सकते हैं एनसीपी के जो है नेता हैं जॉन पाटिल, वो कह रही हैं कि उन्होंने फिलिस्तीन पर भी, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो भी फिलिस्तीन पर भी उनका स्टेटमेंट है, और अभी उन्हें पहले उसके बारे में देखना चाहिए, फिर उन्हें समझ आएगी कि चीजें क्या है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शरद पवार वाले बयान पर आलोचना की। उन्होंने कहा इसराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत ने कभी भी अपने रुख को नहीं बदला, भारत ने किसी भी रूप में किसी भी जो है किसी के भी खिलाफ आतंकवाद का लगातार विरोध किया है। जब इसराइल में निर्दोष लोगों की हत्या हुई तो भारत समेत सभी के इन हमलों की निंदा की। शरद पवार जी को भी आतंकवाद के खिलाफ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकी हमलों से मुंबई ने काफी नुकसान हुआ, खासकर 26/11 के दौरान मुंबई में कई नागरिकों की मौत हुई। मेरा शरद पवार जी से अनुरोध है कि वह वोट बैंक की राजनीति पर सोचने की बजाय आतंकवाद की भी निंदा करें। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पवार के गैर जिम्मेदाराना बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता के लिए राजनीतिक सत्यबद्धता और व्यक्तिगत राय के बावजूद आतंकवाद के खिलाफ एक एकीकृत मोर्चे की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पवार ने कहा कि इसराइल फिलिस्तीन मुद्दा गंभीर और संवेदनशील है और अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों जैसे मुस्लिम देशों के विचारों को नजरअंदाज नहीं जो है किया जा सकता है। हमास द्वारा घुसपैठ शुरू करने से एक दिन बाद 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकवादी हमलों की निंदा की थी। पीएम मोदी ने कहा कि इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित और उनके परिवार के साथ, हम इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो अब देखिए किस तरीके से जो है इस मामले पर इसराइल को लेकर, आवास को लेकर जो मामला है, अब इस मामले पर विपक्ष द्वारा बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, तो बीजेपी भी अब इस मामले को लेकर खुलकर बोलती नजर आए। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो नेता है, केंद्रीय जो मंत्री है भाजपा के नेता प्रहलाद पटेल ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम बताते हैं आपको। मुझे बेहद आपत्ति भी है और दुख भी है शरद पवार जैसे लोगों के वक्तव्य पर। विदेश नीति सरकार तय करती है और उस आधार पर सरकार या देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। राय शरद पवार जी की अलग हो, इससे मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन शाब्दिक रूप से जो उन्होंने बयान दिया है उसकी निश्चित रूप से निंदा होनी चाहिए, क्योंकि विदेश नीति पर यह देश कभी बंटवारे के लिए नहीं तैयार रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा देश के साथ हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने वो उदाहरण प्रस्तुत किया है जो दुनिया की राजनीति में कहीं मिलता नहीं है। हम प्रतिपक्ष में होकर भी यूएन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की पैरवी करने वाले लोग हैं। हमारे दृष्टिकोण में कोई दुविधा नहीं है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है वही देश की विदेश नीति है। शरद पवार जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस बयान से बचना चाहिए। तो बता दें कि जो है प्रहलाद पटेल ने कहा है कि मुझे उनके बयान पर आपत्ति है, किसी देश की विदेश नीति सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसी आधार पर पीएम या विदेश मंत्री अपनी राय देते हैं। शरद पवार बयान की निंदा होनी चाहिए, इस मामले पर पीएम ने जो कहा वो देश विदेश नीति है और ये चीज इन्हें समझ आनी चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार वार प्रतिक्रिया और रिएक्शंस का जो दौर है वो देखने के लिए मिल रहा है। शरद पवार के बयान पर भूचाल आया हुआ है और लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, जिससे कि हमने आपको अवगत कराया। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा।